नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में आज हम बात करेंगे बजीरगंज विधानसभा क्षेत्र की, गया जिले की बजीरगंज विधानसभा क्षेत्र। और बजीरगंज में मजेदार ये हो रहा है कि कांग्रेस, भाजपा और जेडीयू के बीच पप्पू यादव मजबूती से आ गए हैं, जाप वाले पप्पू यादव। ये बजीरगंज के लिए करिश्माई है। बजीरगंज में होगा क्या चुनाव के वक्त, देखने वाली बात होगी। लेकिन जितने झंडे कांग्रेस के उठ रहे हैं, बीजेपी के उठ रहे हैं, जेडीयू के उठ रहे हैं, उतने ही झंडे पप्पू यादव के भी उठ रहे हैं। मतलब पप्पू यादव की कैंची भी यहां आ गई है। तो बजीरगंज का चुनावी माजरा क्या है? तो देखिए, बजीरगंज में अभी जीते हुए विधायक हैं अवधेश कुमार सिंह, बिहार सरकार में मंत्री भी थे जब महागठबंधन की सरकार थी, कांग्रेस के विधायक हैं और बजीरगंज से कई दफे जीते हैं, बीच में हारे भी हैं। तो 2015 के चुनावी नतीजे को देखते हैं तो देखिए 80,107 वोट इन्हें आए थे और बीजेपी के बीरेंद्र सिंह को इन्होंने चुनाव हराया था 67,348। तो इसके पहले 2010 की बात बताते हैं, 2010 में अवधेश सिंह चुनाव हार गए थे कांग्रेस वाले, बीरेंद्र सिंह बीजेपी वाले चुनाव जीत गए थे 38,893 मत लाकर। अवधेश सिंह जो हारे थे 2010 में, उन्हें 21,127 वोट आया था। कमलेश वर्मा इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, उन्हें 13,693 मत आया था। राजेश कुमार भी इंडिपेंडेंट थे, उन्हें 10,394 मत आया था। सरीम अली भी इंडिपेंडेंट थे, उन्हें 8,377 मत आया था। तो देखिए, बजीरगंज बहुत ही दिलचस्प बनता जा रहा है, क्योंकि दिखने के लिए दिख ये रहा है कि यहां कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई होनी है, महागठबंधन से कांग्रेस। वैसे आज की स्थिति में कांग्रेस से जिस तरीके से पेच फंसता जा रहा है आरजेडी का, आज तारीख है 30 सितंबर, हम ये कह नहीं सकते हैं कि कांग्रेस महागठबंधन में रहेगी भी कि नहीं रहेगी। हालांकि प्रियंका गांधी के स्तर पर अंतिम कोशिश की जा रही है। तो मसला सिर्फ महागठबंधन में ही नहीं फंसा है, महागठबंधन में कांग्रेस रही तो यह सीट कांग्रेस के नाम ही होगी। अवधेश कुमार सिंह इस दफे पिता पुत्र दोनों चुनाव लड़ना चाहते थे, उनकी नजर गुरुआ विधानसभा क्षेत्र पर भी थी, लेकिन गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में हमारी जानकारी के मुताबिक, लाइव सिटीज की जानकारी के मुताबिक, आरजेडी ने विनय यादव का टिकट फाइनल कर रखा है। तो देखिए, यदि हम चुनाव के रिकॉर्ड को देखते हैं तो इस सीट पर दावेदारी बनती है बीजेपी की महागठबंधन से लड़ने की, लेकिन जेडीयू भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, जेडीयू की नजर भी है। बीजेपी से भी हम दावेदारों की बात कर ले तो बीरेंद्र सिंह तो हैं ही, जो लगातार चुनाव लड़ते रहे, कभी जीते हैं कभी हारे हैं। इसके अलावा अनुज सिंह हैं, पूर्व विधान पार्षद हैं, क्षितिज सिंह हैं, तो ये तमाम सारे नाम आते हैं। लेकिन जेडीयू में चंदन सिंह बिहार में जेडीयू में नंबर 2 नंबर 3 जो भी आप कह ले, आरसीपी सिंह के बहुत खासम खास माने जाते हैं। तो चंदन सिंह बबंदी के रहने वाले हैं, उनकी नजर भी बजीरगंज पर है, पिछले कई वर्षों से बजीरगंज में वह मेहनत कर रहा है। अब देखना यह हुआ कि ये सीट एनडीए में बीजेपी और जेडीयू तो है ही, लोजपा को लेकर जो बात कर ले तो बीजेपी के खाते में रहती है या जेडीयू के खाते में चली जाती है। लेकिन इस पूरे झोल में जो ये लोचा है ना, इस लोचा में यहां पप्पू यादव ने धमाकेदार उपस्थिति दर्ज करा दी है। देखिए, यदि हम जातिगत समीकरण की बात करें, जातीय मतदाताओं की बात करें, तो लोग कहते हैं कि यादव सबसे अधिक हैं, उनके उसके बाद मुसलमान हैं, राजपूत हैं, भूमियार हैं, कुर्मी कोरी हैं, तो ये सारी बातें होती हैं। लेकिन यहां देखिए, आप यादव मतदाता अधिक होने के बाद भी राजपूतों का दबदबा रहा है, लेकिन इस दफे इस दबदबा को भेदने की कोशिश की जा रही है पप्पू यादव के द्वारा। पप्पू यादव ने यहां राजीव कुमार कन्हैया, देखिए ये जाति से भूमियार हैं और ये पुराने भाजपाई हैं, पिछले 25-30 वर्षों से भाजपाई हैं, इन्हें जाप में शामिल करा लिया है और कहा जा रहा है कि राजीव कुमार कन्हैया की उम्मीदवारी पप्पू यादव ने सुनिश्चित कर दी है। देखिए, भाजपा में जब ये थे तो 2 बार जिला मंत्री रहे, किसान मोर्चा में रहे, मखदुमपुर विधानसभा के चुनाव प्रभारी रहे, युवा मोर्चा के भी गया के 2001 में अध्यक्ष रहे, मानपुर संघर्ष मोर्चा इन्होंने चलाया है, बजीरगंज अनुमंडल बनाने की लड़ाई लड़ी, हर साल बेटी का विवाह कराते हैं। तो राजीव कुमार कन्हैया बहुत ही मजबूती के साथ बजीरगंज में मौजूद हो गए हैं, यहीं के रहने वाले हैं मानपुर के, और लगातार क्षेत्र में कैंप कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे अधिक मत यादव मतदाताओं का, लेकिन विधायक बनते हैं राजपूत,
अब यहां से भुनियाद की दावेदारी भी और जेडीयू और बीजेपी का लोचा भी। महागठबंधन में फूट पड़ी तो कांग्रेस और राजद का भी लोचा होगा। तो होगा क्या वजीरगंज में, यह देखना दिलचस्प हो गया है। हम आगे भी आपको बताएंगे, आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।